आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम डेरा जैनपुर से लेकर के जो इंद्री वाली सड़क है उस पर हैं, और यहां पर एक राहगीर हैं, वाहन चालक हैं, उनसे जानेंगे सड़क के हाल क्या बने हुए हैं और वो क्या सोचते हैं सड़क को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे जी? जनता का स्वागत है आपका। नमस्कार जी, ये अपना जो गांव जैनपुर से डेरा है, ये सड़क इंद्री तक जाती है, जो बुरा हाल है इस सड़क का। और यहाँ पर खड्डे बहुत है और जो यहाँ के आने जाने वाले उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ से, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और कई बार तो यहाँ हादसे का शिकार भी हो चुके हैं लोग। तो क्या इस बारे में किसी को कहा, अधिकारियों को या कोई विधायक, उनको कुछ कहा है कुछ लोगों? हाँ, बतेरे भी अधिकारी बतेरे आए हुए यहाँ पे भी आए थे सरकारी स्कूल में, वहाँ भी बोला, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इस चीज़ की किसी। कब से खराब है ये सड़क? ये 2-2.5 साल हो गए जब से खराब ही चल रही है ये। अच्छा, हाँ। तो रात के समय तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी? रात के समय तो बहुत दिक्कत होती है, टायर स्लिप हो जाते हैं, बजरी खिंडी पड़ी हैं और कई बार हादसे हो चुके हैं इस सड़क पे। अच्छा, हाँ, सुनवाई कोई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी, बहुत परेशान है हम इस चीज़ से। हाँ जी, यहाँ के जो आसपास के गाँव के जो लोकल सड़क है, ये ज़्यादातर यही चलती है क्योंकि यहाँ से इंद्री नज़दीक पड़ता है और इसी करके बहुत दिक्कत है यहाँ के लोगों को इस सड़क से। तो देखो ये, हाँ, ये सारी टूटी पड़ी है, देखो। ये इस समय हम इस टूटी हुई जो सड़क है इस पर हैं, और ये सड़क जाती है, ये जैनपुर से लेकर के इंद्री जा रही है सीधी सड़क। ये सड़क के हाल आप देखिएगा, सड़क के हाल जगह जगह से टूट चुकी है, खड्डे देखिए कितने हैं। यहाँ तो देखिए, इस सड़क के हाल में जो हैं रोड़े भी बाहर निकल चुके हैं, मिट्टी भी बाहर निकल चुकी है, और ये सड़क बहुत बुरी हालत में पहुँच चुकी है। हम आगे भी आपको दिखा रहे हैं कुछ हिस्सा इस सड़क का, देखिए ये एक जगह से नहीं है ये सड़क इस तरह के हाल, इस सड़क के तो जगह जगह से यही हाल है। आप जहाँ देखेंगे उस सड़क पर टूटी हुई है, लोग जैसे बता रहे हैं कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं, और जब हादसे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को कई तरह की परेशानी होती है, और ये परेशानी इसलिए भी हो रही है। देखिए कि एक वाहन चालक और आए हैं, इनसे जानेंगे इस सड़क को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या हालांज है इस सड़क के बने हुए? बहुत ख़राब हो रही है ये सड़क जी। अच्छा। बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। अच्छा, कोई हादसे भी हो रहे हैं क्या यहाँ? हाँ, बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं जी, और सड़क बननी चाहिए बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ के जो विधायक हैं या कोई अधिकारी है, उनसे नहीं कहा है? हाँ जी, क्या है जी। हाँ। क्या है, बनावेंगे, बना कोई रहा नहीं है जी। अच्छा, कब से टूट रही है? बहुत दिन होगा जी टूटी नहीं। अच्छा, लंबा समय हो रहा है? हाँ, लंबे समय हो रहा है। देखिए सड़क लंबे समय से खराब है, लेकिन सुन कोई रहा नहीं है लोगों की, लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ। और ये हाल आपको एक और हिस्सा हम दिखा रहे हैं, देखिए ये सड़क पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा जो सड़क है वो टूट चुकी है सड़क, और एक बहुत बड़े खड्डे में तब्दील हो चुकी है ये इस समय। इस सड़क के जगह जगह इसी तरह के हाल हैं, इस सड़क से राहगीर हैं वो परेशान हैं, और परेशानी इस कदर है कि हादसे हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सुनता कोई है नहीं। ये किस तरह की सड़क बनी हुई है, क्या कहना चाहोगे? बस ये नहीं कहना चाहेंगे भाई, ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें आने जाने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। अच्छा, क्या क्या नुकसान होता है लोगों को? नुकसान को यही है जी, बस दुर्घटना होने का डर है जी। तेल भी अधिक फूकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। वाहन भी ख़राब हो रहे? वाहन भी ज़्यादा ख़राब हो रहे जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत इस सड़क में बहुत ज़्यादा खड्डे हैं जी। कोई सुनता नहीं क्या? ना जी, कोई सुनाई नहीं है जी। क्यों? बस प्रशासन अधिकारी बता, सारी ऐसी है, भ्रष्ट है जी। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए कोई सुन रहा? ना जी, सुन भी रहा ना कि कोई देख रहे जी। अच्छा, हाँ जी, क्या मांग करेंगे? बस मांग तो यही है जी, प्रशासन से बोला जल्दी से जल्दी इसकी सही तरीके से बनाई जाए। ठीक। इस सड़क के टूटने का एक और हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क देखिए आपको टूटी हुई बिल्कुल नज़र आएगी, जगह जगह से टूट रही है, खड्डे पड़े हुए हैं, और सड़क में ये देखिए कितने बड़े बड़े गहरे खड्डे हैं, और सड़क का जो हाल है वो बहुत ही ख़राब है, और इस सड़क से कई जो वाहन हैं वो गुजर रहे हैं, और ये ख़राब हो रही है सड़क। ख़राब हो रही है जी। कितने ख़राब है? बहुत ख़राब हो रही है, ये तो कई जगहों से जी। अच्छा। हाँ। ठीक नहीं करते लोग? ठीक नहीं करते, जो ठीक करें तो फिर देखे को इतने। हाँ, ये देखिए लोग जो है
सड़क से जो परेशानी अपनी वो आपको बता रहे हैं और सड़क के हाल बहुत ही ख़राब हैं। हम आपको जगह जगह के हिस्से इस सड़क के दिखा रहे हैं, किस तरह सड़क टूटी हुई है, सड़क में बड़े लंबे चौड़े खड्डे पड़े हुए हैं। सड़क के हाल ये हैं कि सड़क का जो रोड़ा है वो निकल चुका है, कई जगह से तो रोड़ा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और मिट्टी बाहर आ रही है। और ऐसे में ये देखिए सड़क देखेंगे आप, ये रोड़े भी एक तरफ हो चुके हैं और मिट्टी धीरे धीरे बाहर आने लगी है। ये सड़क के हाल हैं और इस हालात में जब सड़क होगी तो फिर इस सड़क से जो गुज़रने वाले लोग हैं उनको परेशानी भी निश्चित रूप से होगी। एक और वाहन चालक आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे इस सड़क को लेकर के वो क्या कह रहे हैं और क्या उनकी राय है, क्या वो मान रहे हैं। हाँ नमस्कार जी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नमस्कार सर जी, कहाँ से आ रहे हैं? मुड़पुर खालसा जी। अच्छा, ये सड़क के क्या हाल बने हुए हैं? सड़क तो फुटी पड़ी सारी जी। अच्छा, कोई ठीक नहीं करा रहा? ना जी। क्यों? सरकार ने ध्यान नहीं करेगा। अच्छा, सरकार ने ध्यान करना चाहिए, कर नहीं रहे जी। सड़क फुटी पड़ी। अच्छा, दूर तक बेकार है जी। अच्छा, किस तरह की परेशानी होती है आप लोगों को जब यहाँ से गुजरते हैं? बहुत सारी तरह की परेशानी है जी। मोटरसाइकिल का पहिया फिसल जाता है, जैसे ट्रैक्टर लोड मारता है उससे बैठना होता है। सिंगल सड़क है, छोटी सड़क है, तो परेशानियाँ बहुत है। हादसे भी हो चुके हैं यहाँ? बहुत से हादसा मेरे सामने तो कोई है नहीं जी। अच्छा, बाकी सुनने में तो आया कई बार चोट पेट लग गई है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? बस मांग करेंगे सड़क बढ़िया बनाए दो जी। अच्छा, उनको बहुत धन्यवाद होगा। हाँ, सरकार का भी आपका भी। अच्छा। हाँ देखिए, लोग जो है इस सड़क से परेशान हैं और परेशानी जब लोगों को होगी तो फिर लोग सरकार की आलोचना भी करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे, और यदि मांग सर लोगों की पूरी नहीं होगी तो फिर नाराज़गी भी जाहिर करेंगे। और ये नाराज़गी का लोगों का आलम आप सुन रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी सुन रहे हैं, किस तरह से लोग सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको लेकर के और जो यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं उनकी कार्य प्रणाली को लेकर के, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी काम को लेकर के लोग नाराज़गी जता रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं। और आलोचनाओं और नाराज़गी का ये सिलसिला लोगों का वाजिब है, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा तो फिर लोग करें तो क्या करें, चुनाव आने वाला है। जैनपुर डेरा से इंद्री जाने वाली सड़क का हम ये तीसरा हिस्सा दिखा रहे हैं और इस हिस्से को भी आप देखेंगे तो जगह जगह से ये पूरी सड़क जो है ये टूट चुकी है और सड़क में बड़े खड्डे हैं। इस सड़क से वाहन जो चालक हैं वो जब भी गुजरते हैं तो उनको देखिए किस तरह से परेशानी होती है। और ये हाल इस समय सड़क के हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं, सड़क में बड़े खड्डे हैं और कई जगह से तो सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है। ये देखिए किस तरह सड़क जग बिल्कुल ही जर्जर हालत हो चुकी है सड़क की, और सड़क में लंबे चौड़े बड़े खड्डे यहाँ पड़ चुके हैं। इस सड़क से कुछ वाहन चालक भी जाते हैं, कुछ वाहन चालक हैं कुछ आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह के सड़क के हाल बने हुए हैं और पूछेंगे कि सड़क के ये हाल हैं तो किस तरह से की परेशानी उनको होती है। किस तरह की परेशानी हो रही जी सड़क को लेके आपको? इसमें तो जी बहुत परेशानी है, हम चल फिर भी नहीं सकते जी, दिन रात काम है जी हमारा, यहाँ टूट फूट पड़े जी, कई सालों तो नहीं है जी। अच्छा, हाँ तो विधायक है यहाँ के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे जी, ये तो सड़क जो मुख्यमंत्री भी आया था जी परली साइड ने काट दिया था जी, यहाँ नहीं ले इसने। अच्छा, हाँ परली साइड जी रोड ने काट दिया जी, कहीं पर लेना जानबूझ करके। हाँ जी, भाई कभी रोड दिख जा इस तरह का जी, हम तो बहुत परेशान है इस रोड पे जी। अच्छा, और परेशानी ऐसा नहीं चल सकती जी, हादसे भी हो जाते हैं यहाँ? हाँ जी हो जाए जी, हो जाए जी, दूध का चलना है जी, छोटी सड़क है जी इस तरह का जी। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम चाहें जी ये सड़क पर जीटी रोड बड़ी बड़ा बनना चाहिए जी। कितने लोग इससे जुड़ते हैं यहाँ, कितने गांव के लोग जुड़ रहे हैं इसमें जी? 6-7 गांव हैं जी, टपरियों छपरियों नोरी जी दनों खेड़ी। अच्छा, हाँ जी कई गांव है जी यहाँ। अच्छा, इसी रोड से चलते हैं, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। देखिए लोग परेशान हैं और जो वाहन चालक हैं उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, ट्रैक्टरों का
और कारों का यदि देखिए ये ट्रैक्टर था और फिर पीछे से कार आ गई तो साइड से कोई दूसरा आदमी दूसरा वाहन निकल नहीं सकता। हालात ज़्यादा ख़राब हैं और सड़क बहुत टूट चुकी है, जगह जगह से सड़क टूटी हुई है और सड़क के ये हाल यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ के जो 87 नेता हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इस सड़क की सुध क्यों नहीं ली जा रही है। और सुध नहीं ली जा रही है तो कुछ एक और वाहन चालक जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर के। आप जी, इस सड़क को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस सड़क को लेकर क्या कहें सर, ये तो बहुत ही दिक्कत है इसमें, तो यह पूरी रेस नहीं पकड़ सकते मोटरसाइकिल की, बार बार गियर बदला, सारे दुखी हो रहे हैं और कोई रास्ता नहीं हमारा। अच्छा, यही रास्ता है जो कितने गांव जुड़ते ये हैं तो इसमें बहुत खेड़ा पटेड़ा, ये बुढ़नपुर, ये टपरियों छपरियों न्योरी, अच्छा ये सब रास्ता यही है एक मेन, और इस पे ही लले ट्रालियां ट्रैक्टर गन्नों ने फोड़ तोड़ रखी है। अच्छा, तो अभी ये बनाने में दिक्कत है, अपना कोई गोरी नहीं कर रहा है, कोई बनाना नहीं ना जी। यहाँ के विधायक और अधिकारी बस सारी, बस देखो क्या कहा जी, वो सारी ऐसी हो रही है, जिसको भी कहाँ कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं कमी नहीं है लेकिन बन नहीं रही है। हाँ जी, बन नहीं रही, ठीक है, देखिए हाँ शुक्रिया। और जिम्मेदार भी, जिम्मेदार भी और जो भी है, मतलब सब दुखी हैं इस रास्ते है। अच्छा, सारे दुखी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। ये देखिए लोग परेशान बहुत है और जो भी वाहन इस सड़क से होकर के गुजर रहा है तो उसको देखिए स्पीड उसकी, एक कार और आ रही है, इसकी स्पीड आप देख लीजिए किस तरह के हाल बने हुए हैं। और सड़क की जो खराबी हालत की, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा सड़क खराब हो चुकी है और सड़क के खराबी होने से, सड़क के टूटने से, सड़क में जगह जगह खड्डे पड़ने से लोग कितने परेशान हैं ये आपने सुना है लोगों की जवानी। हम कुछ और लोगों से मिलवाएंगे, इस सड़क का कुछ और हिस्सा भी आपको दिखाएंगे कि ये जो सड़क है इस सड़क को किस रूप में लोग देख रहे हैं, लोगों की सोच क्या है, लोग इस सड़क को लेकर क्या कह रहे हैं। एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे इस सड़क के क्या हाल बने हुए जी। बुरा हाल हो रहा है जी सड़क पर तो बहुत जी। अच्छा। खड्डे ही खड्डे जी, जमी मोटरसाइकिल भी चल नहीं सकती है जिस पर तो। अच्छा, आराम आराम से लेके आने पड़े, बहुत आगे और ज्यादा खराब हो रही जी। और भी ज्यादा खराब है। हाँ, और पीछे भी और ज्यादा खराब है। अच्छा, कब से है ये खराब? ये तो बहुत दिनों से हो गए, हम भी जी बहुत तंग हो रही सड़क पाते जाते जी, कोई सुनता नहीं जी, कोई नहीं सुन रहा जी। सड़क को ऐसी आए बनती ही नहीं कभी भी। अच्छा, कोई बनवाता ही नहीं और सरकार भी कोई फैसला नहीं उठाती, अगर उठाती है तो गांव के सरपंच खा जाते हैं पैसा भी। अच्छा, ये देखिए लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी आप निरंतर देख रहे हैं, हम आपको जनता हलका पर दिखा रहे हैं लोग सड़क को लेकर कितने परेशान हैं और परेशानी है। और देखिए एक वाहन चालक और आ रहा है, वो घास जो पशुओं का वो लेके जा रहा है, ऊपर महिला भी बैठी है, ये कभी भी हादसे का इस तरह के शिकार हो सकते हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। जब लोगों की परेशानी बढ़ती है तो फिर मान करके चलिए कि लोग नाराज़गी भी जताते हैं, लोग निराशा भी जताते हैं और लोग परेशान भी होते हैं। एक वाहन चालक और भी हैं, साइकिल सवार हैं, वो निकल रहे हैं यहाँ से और सड़क के हाल आप लगातार देख रहे हैं, सड़क के ये क्या हाल बने हुए हैं। देखिए इस सड़क को सड़क कहना भी सड़क का शायद अपमान होगा, ये देखिए सड़क किस तरह के हाल सड़क के हैं, बिल्कुल सड़क टूट चुकी है, बड़े बड़े खड्डे हैं और खड्डों के हालात देख करके आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सड़क से सुरक्षित बच निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। जहाँ भी देखेंगे सड़क टूटी ही टूटी नज़र आएगी आपको, खड्डे बड़े बड़े हैं और बड़े ही डरावने भी हैं, क्योंकि यदि स्पीड से कोई आएगा और इस तरह के खड्डों से गुजरेगा कोई भी वाहन चालक तो देखिए फिर उसको अपनी जो जान है वो सुरक्षित नहीं पहचान पड़ती। और भी वाहन चालक हैं, गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग सड़क को लेकर परेशान कितने हैं तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं।
एक और वाहन चालक आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर के, क्या कहना चाहोगे जी आप? भाई साहब सड़क तो यार बिल्कुल खत्म हो ही पड़ी, बहुत बुरा हाल है, और सादरी डिप्टेड नहीं जाऊँ, एमरजेंसी में आना पड़ा कहीं बड़ी जल्दी वहाँ। अच्छा हाँ जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है, हादसे भी हो चुके हैं? हाँ जी, बतेरे गिरा बेचारे, रात ना भी गिर जा फिसल का, कोई नींगा गिर गया, किसी का ट्रैक्टर उतर गया, किसी की गड्डी उतर गई, यही हाल है जी। बनाने क्यों नहीं सड़क को, क्या पता जी? अच्छा अब आप करो गौर इस चीज पे, बढ़वाओ इस सड़क को। अच्छा हाँ जी, हम तो आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा। हाँ जी बिल्कुल तैयार है जी हम तो। अच्छा ठीक है ठीक है, ये देखिए लोग अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं और किस तरह के हालात सड़क की वजह से हो रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं लोगों की बात, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लोग लगातार पूछ भी रहे हैं। एक और राहगीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे, साइकिल सवार हैं, ये सड़क को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जी आप? ये तो टूटी पड़ी जी सॉरी। कद की ये जीप बनी, जीप टूट गई थी, इनमें खड्डे जीप पड़ गए, लोड के रहेंगे। अच्छा इब क्या हालत बने हुए हैं सड़क की? जीप तो ऐसी है जी आप देख रहे। अच्छा हाँ जी, ठीक नहीं हो रही अब ये? ना जी ठीक, कहाँ थे दूर तक ऐसी हो रही, जहाँ तक बनी है। अच्छा दूर जैनपुर तक? हाँ इंद्री से जैनपुर तक। अच्छा तो यहाँ के विधायक अधिकारी अफसर कोई सुनता नहीं है क्या? कौन सुना जी, यहाँ कोई नहीं किसी की सुनाई कर रहे ढंग से। क्यों क्या बताओ जी, हमने कोई किसी पर जाओ कोई करा नहीं करावा, क्या फायदा बजाय का भी। अच्छा हाँ जी, ये देखिए लोगों की परेशानी वाजिब है और हम आपको ये दिखा रहे हैं, जैनपुर डेरा से इंद्री जाने वाली सड़क का हाल आपको लगातार हमने दिखाया है, लोगों से बात भी कराई है, लोगों की पीड़ा भी सुनाई है, लेकिन सड़क के हाल इस तरह के होंगे तो फिर ये मान करके चलिए कि लोगों में निराशा भी होगी, लोगों में हताशा भी होगी, लोगों में नाराज़गी भी होगी, और लोग सत्ता में बैठे हुए जो नेता हैं उनकी बातों को, उनके दावों पर उंगली भी उठाएंगे, सवाल भी उठाएंगे और अपनी भी मन की बात बताएंगे। लोग तो इंतज़ार में हैं कि कब चुनाव हो और कब वो ये जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं कब इनको इनकी असली समझ दिखाएं, इनकी बात दिखाएं, इनके दावों की सच्चाई बताएं और कब वो ये सोचें कि आखिर इन सत्तासी नेताओं को क्या सुनने की आदत नहीं, यदि सुनते हैं तो क्या काम करने की आदत इनको नहीं है। आखिर ये इतने सारे सवाल जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, लोग पीड़ा की बात कर रहे हैं, ये आखिर इन लोगों की पीड़ा का हरण क्यों नहीं हो रहा? हमने प्रयास किया इस सड़क के हालात आपको दिखाने का और उन अधिकारियों को जगाने का जो लोगों की पीड़ा को देख नहीं रहे हैं, लोगों की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं, और उन नेताओं को भी जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये जो 6-7 गांव हैं जो इंद्री से सड़क के माध्यम से जुड़ते हैं, इस सड़क के इन हालातों को लेकर के इनकी पीड़ा क्यों दूर नहीं हो रही और कब ये दूर हो पाएगी, ये सोचने की बात है। आप देखते रहिए जनता हलका, मैं हूँ MS निर्मल।